दिक्कत है, ये है इसकी प्रॉब्लम, ये सारा भार है तो रास्ता बना बना के ये अपना दोस्तों ट्रेलर, क्योंकि इसमें का एक सरिया, एक साइड सरिया थोड़े बाहर हैं और ये टकरा भी सकते नीचे, इसलिए लंबा टर्न लेना पड़ेगा यहाँ। आराम आराम दर राजा थोड़ा भाई, यहाँ चल रहा है अपना DBM का काम और आज तो आपको ड्रोन से वीडियो शूट करके दिखा। तो आखिरी लोड था तो मैंने रिस्क लिया कि आखिरी लोड है, चलो JCB करते ही, क्योंकि ऊपर पहले के भरे हुए थे भाई। आज तो रेल बना दी JCB की, ये देखो स्टंट कर रहा हमारा भाई यार। यहाँ पर ये वल्वो की 6 नंबर मशीन है भाई, पुरानी मशीन है ये। शौक शौक में ले तो ली यार, अभी बाद में पता चल रहा है ये सर्विस का बड़ा नाटक है इसमें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह सुबह पहुंच गए अपनी साइड पे। सबसे पहले अभी प्लांट भी स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि हमको करना है सबसे पहले पेवर शिफ्ट, और पेवर हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे रैम पे। ये पास में ये रैम बना हुआ है, यहाँ से हमें लोड करनी है, इसको शिफ्ट करनी है और कर देते हैं हम लोग यार। बस दिक्कत ही हुई है ये जो ट्रेलर है, ट्रेलर में स्टील लोड है, यहाँ पर बाजू में 100 मीटर दूर एक ब्रिज है, ब्रिज पर जा रहा है ये, तो पहले करेंगे इसको शिफ्ट, पहले इसको ट्रेलर पर तो निकाल दें फिर देखते हैं इस पर। ये यहाँ पे भी एक VUP बननी है, व्हीकल अंडरपास, तो उसके लिए ये स्टील जा रहा, 25 mm की रोड है सारी है। ये दिक्कत है, ये है इसकी प्रॉब्लम, ये सारा भार है तो रास्ता बना बना के जा रहा है ये। चलो भाई करते हैं इसको भी शिफ्ट, ये जब खाली होगा तभी अपनी पेवर शिफ्ट होगी, नहीं तो कोई ही नहीं। दूसरा ट्रेलर है वो थोड़ा छोटा है, उसमें नहीं जाती, इसी में जाती पेवर। ट्रेलर निकालने की तो सर ये मशीनरी थोड़ी साइड करनी पड़ेगी, PTR और ये अपना रोलर भी साइड कर देते हैं। पेवर तो हमने कर दी साइड, ये PTR भी निकाल के थोड़ा साइड कर देते हैं, और इस जो रात को जो काम किया उस पर एक बार प्लेन पास मार देंगे तो अपने बात बन जाएगी, सब कुछ एकदम बढ़िया हो जाएगी और फिर अपन निकलते आगे की तरफ। तो लाइन से लगा देते एक साइड फिर भाई, यहाँ पे थोड़ा ट्रेलर के रास्ता बना देते हैं और यहाँ पे थोड़ा ये एक्सकेवेटर लगा के ये पत्थर पत्थर है थोड़ा साइड करा देते हैं अपन। ये ट्रेलर यहाँ पे घूमेगा नहीं इतनी जगह में, और उसका वैसे ही ओवरलोड है और ये बाहर है सर ये उसके। भाई ये एक्सकेवेटर भी अपने दलजीत उस्ताद ही है, और अभी ट्रेलर ऑपरेटर बन गए भैया वो। चलो हो गया अपना ये रैम वैम्प हो गया एकदम रेडी, रास्ता ही बना दिया, बनाना पड़ेगा निकल जाएगा। चलो सर यहाँ का तो हो गया, थोड़ा पेवर का भी थोड़ा सा रैम थोड़ा सही कर लेते हैं और उसको भी निकालते हैं, रैम पर लगा खड़ा करते हैं। बाकी जो ट्रेलर अभी आधा घंटे में खाली हो गया जाएगा तो अपन क्या करते हैं शिफ्ट, उसके बाद तभी चालू करूँगा प्लांट, क्योंकि फिर यहाँ पे आगे गाड़ियाँ की लाइन लग जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा। चलो अशोक भैया को भेज देते जब तक, वहाँ पर देखेंगे लाइन वाइन मार्किंग करके रखेंगे। आ गया अपना दोस्तों ट्रेलर, क्योंकि इसमें का एक सरिया, एक साइड सरिया थोड़े बाहर हैं और ये टकरा भी सकते नीचे, इसलिए लंबा टर्न लेना पड़ेगा यहाँ। सरिया देखो बहुत कम रहा है पर है बहुत, ये तो ट्रेलर एक साइड पूरा झुक रहा है, अगर ये रास्ता हम लोग नहीं बना तो ये नहीं निकल रहा था आज। भाई लोग हम लोग पहुंच गए लोकेशन पे, ये जो ब्रिज है इसी का स्टील है ये, लकड़ी लिया हुए भाई यहाँ पे। ये सामने से हमने बुला ली अपनी एक्सकेवेटर और इसको क्या है
एक्सकेवेटर से ढक्का देके खाली कर लेंगे, क्योंकि अपने को थोड़ा अर्जेंट है पेपर शिफ्ट करना, नहीं तो लेबर से करने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा। अपन इसको एक्सकेवेटर से कर देंगे भाई। ये अपनी टाटा की 370 एक्सकेवेटर है, ये यहीं पर चल रही थी पास में, तो अभी इसी से कर देंगे। ये बड़ी मशीन है भाई, 37 टन कैटेगरी में है ये, हमारी कंपनी सबसे बड़ी मशीन अभी यही है। मशीन की चेन एकदम कर दी सीधी, क्योंकि बस हल्का हल्का सा लगा के और इसको आगे धकेल देंगे बस। ट्रेलर देखो एक साइड से, वजन देखो भाई स्टील का, ट्रेलर एक साइड से पूरा झुक गया। हाँ दे दो ढक्का, जल्दी ट्रेलर आगे ले ले, हो गया तेरा काम। चलो दोस्तों फाइनली हो गया अनलोड, चलो हो गई अपनी गाड़ी अनलोड। 5 मिनट का खेल है, 5 मिनट में कर दिया उसने। लकड़ी ऊपर रख दो, बाद में लोड करना है वहाँ। अभी क्या करो? चलो यहाँ रख दो। चलो भाई रवानगी यहाँ से। भाई यहाँ चल रहा अपना ये एक्सकवेशन का काम चल रहा है, इसके आगे ही जहाँ बेड अपना रेडी है वहाँ मेरे को करना है DBM, वहीं ले जाने वाला हूँ मैं पेवर। और आगे ये एक्सकवेशन काम चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा हार्ड है, तो यहाँ पे 370 मशीन अपनी यहीं पे चल रही है। थोड़ा सा मैंने स्टील का वो शिफ्ट करने के लिए थोड़ा बुलाया था, और यहाँ से मैं पेवर लेके जाने वाला हूँ 4 फीट में, तो थोड़ा सा रास्ता बना लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा मिट्टी थोड़ी कट कर देते हैं, तो यहाँ से अपन निकल जाएगा। थोड़ा थोड़ा मटेरियल थोड़ा रास्ता बनाने के लिए कट कर देते, क्योंकि इसकी जो स्कीड रहेगी वो इसमें अटक सकती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। भाई बहुत बड़ी मशीन है 37 टन की, हम ट्रेलर पे भी लोड करते हैं तो ट्रेलर से भी इसकी चेनें बाहर चली जाती हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन में इतनी बड़ी मशीन जनरली होती नहीं है। आप 210 या 220 ही यूज़ करते हैं इसको, क्वारी के पर्पज़ से है ये, क्वारी के पर्पज़ से है। यहाँ पे क्या है, हार्ड रॉक बहुत लगा हुआ है, तो वहाँ पर ये मशीन थोड़ी काम करने वाली मशीन, 210 तो फेल हो जाती है यहाँ पर।
यहाँ पे दोस्तों अपन ने एक साइड का तो हो गया रेडी, दूसरा साइड का थोड़ा कट कर, क्योंकि ये जब ट्रेलर इसके नीचे जाएगा ना तो स्क्रीट इसमें ऊपर आ जाएंगी, इसलिए स्क्रीट का ध्यान रखते हुए पहले से कर दो, क्योंकि अपन पेवर करने वाले हैं फुल विड्थ में शिफ्ट। वहाँ पे भाई ये भी एक ही मशीन चल रही है अभी, ऐड करें अभी यार। चलो भाई दूसरे साइड का भी अपन ने कर दिया, रास्ता हो गया बन गया अपना, और अब गाड़ी एक पीछे रहेगी रास्ते के, रास्ता बन जाता चलेगी। इस मशीन का दोस्तों मैं आपको रिव्यू करके जरूर दिखाऊंगा, और धमाकेदार मशीन है ये टाटा की 370। चैन चला देते थोड़ा क्योंकि टायर ना अपने दबे, ये भी लूज है ये। भाई यहाँ हो गया एक्सेवेटर का काम रेड पूरा, और इसको भेज देते निकालते हैं साइड में, वहाँ पे एक्सेवेटर चलेगा सामने ये। और इधर आगे भैया अपनी पेवर ही फुल विड्थ में, तो शिफ्ट कर देते हैं भाई। एक हाईवा अपना फुल भरा हुआ है, इसको थोड़ा निकाल के देखते हैं, देखो कैसा निकलता है। देख लो भैया टाटा 25-23 का पावर है भैया, ये VS4 है ये। टाटा है, कहीं पे भी निकल जाती है चाहे इतनी हाइट हो। नहीं लूज मिट्टी में आ गए, हल्के टायर दब गए, इसीलिए दोस्तों ये जो स्क्रीट बाहर है ना, इसीलिए मैंने ये थोड़ा साइड में कटिंग करवाई थी, जिससे अपना पेवर इजीली निकल जाए, और निकल गया पेवर। भाई ये इस टाइप का थोड़ा सा है, आप देख रहे हो उबड़ खाबड़, इसमें आप डायरेक्ट PTR मत डालिए, क्योंकि PTR में बैग जाता है PTR। आप आगे एक बार रोलर चला लीजिए, उसके बाद PTR थोड़ा जगह प्लेन हो जाएगी तभी PTR इसमें डालिए, क्योंकि PTR जरा सी जगह में बैग जाता है और पलटने का बहुत डर रहता है उसका। अभी रोलर के दो पास मार देंगे तो PTR निकल जाएगा। चलो दोस्तों जो प्रॉब्लम वाली जगह है वहाँ से अपन ने पेपर निकाल दिए, अभी सीधे करते हैं पेपर शिफ्ट। फिटिंग विटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ अनलोड करनी है, पेपर को उतारना है रैम बना के। और भाई यहाँ पे अभी ये पेपर तो अपनी लोकेशन पे पहुँच गई है, और यहाँ पे एक्सेवेटर चल रही थी तो हमने इसी से रैम बनाना स्टार्ट कर दिया है। एक्सेवेटर से रैम तुरंत बनता है, केवल 2 मिनट लगते हैं बनाने में, JCB में टाइम लगता है। तो अभी यहाँ पर रैम बना के इसको उतार देते हैं। चलो भैया बन गया अपना रैम, और भाई हो जाएगा हो जाएगा, बन तो गया है बटन, आराम से कर जाएगी बटन। तो भाई एक्सेवेटर से केवल 5 मिनट लगते हैं रैम बनाने के, उसने थोड़ा सा गड्ढा किया। रैम बनाने का तरीका होता है दोस्तों, ज़रूरी नहीं पूरी मिट्टी भरो, आप थोड़ा टायर जहाँ आपके ट्रेलर के जाएंगे वहीं पे थोड़ा सा गड्ढा कर दो, तो कुछ ट्रेलर की हाइट डाउन हो जाती है, कुछ आप जो मिट्टी उसकी निकलती है उसी से पीछे आप रैम बन जाए, स्लोप बन जाता है, बस ईजी तरीका होता है रैम बनाने का। बहुत सारे लोग बस एक तरफ से मिट्टी डालते रहते हैं, ये नहीं देखते इसके टायर थोड़े डाउन कर दो तो अपने आप स्लोप बढ़िया बन जाएगा। भाई ये 210 है बोलो कि 2018 या 18 मॉडल है शायद, ये हमारे गुरदयाल बाजी की है। चलो भाई राजा निकालेगा अपना पेवर, इससे यहाँ पे बन गया अपना रैंप, एकदम रेडी हो गया है, और एक्सेलरेटर भी हटा दी हमने। राजा उतार रहा है भैया अपना पेवर, आराम
ना डर आ जा थोड़ा। चलो भाई अपनी पेवर भी उतर गई, चल ले चलते हैं इसको बेड की तरफ। भाई यहाँ चल रहा है अपना DBM का काम, और आज तो आपको ड्रोन से वीडियो शूट करके दिखा रहा हूँ। मैं ड्रोन से तो नहीं, मैं यहाँ ऊपर खड़ा हूँ भैया। थोड़ा सा एक लोड का काम बाकी है, इसको करके फिर अपना दोनों लेयर हो जाएंगे, फर्स्ट लेयर कम्प्लीट। सुबह चालू करेंगे दोस्तों इसका सेकेंड लेयर, और अभी तो पेपर हम उठाने वाले हैं क्योंकि अभी हम कुछ बस वे बनाने हैं हमको, तो हम अभी लेके जा रहे हैं फिर बाकी के लोड बस वे बनाने के लिए लेके जा रहे हैं। ये दो पट्टे, ये देखो खूबसूरत नज़ारा देखो दोस्तों बाईपास का। ये बाईपास दोस्तों कंप्लीट होने वाला है, केवल 400-500 मीटर और बाकी है बस। ये थोड़ा सा एक VUP होना है कंप्लीट। ये कंप्लीट हो गया तो ये भी ब्रिज, ये वाला बाईपास सबसे पहले रेडी हो जाएगा हमारा। एक महीना लगेगा, एक महीने में हो जाएगा ये भी कंप्लीट। दोस्तों यहाँ का काम तो अपना निबट गया है, यहाँ पे अपन ने मशीनरी भी लगा दी। अभी अपन चलते हैं थोड़ा प्लांट की तरफ और देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या चल रहा है। अभी इस पर सेकंड लेयर करेंगे अपन सुबह। भाई पहुँच गए अपने प्लांट पे यार, लोडर है यार अभी धोखा दे दिया एंड टाइम पे यार। आखिरी लोड भरना था और लोडर ने दे दिया हमारा धोखा, कुछ गर्म हो गया एकदम जल्दी जल्दी। तो थोड़ा JCB बुला ली अभी इसकी बनने वाली रेल, क्योंकि आपको पता है एक JCB पूरा नहीं कर पाती माल, और आखिरी लोड है होपर अभी भरे हुए तो कर देगी अभी। और यहाँ भैया DG में आ गए डीजल डालने। भाई यहाँ पे अपन आखिरी गाड़ी लोड कर रहे हैं बस, अभी तो करेंगे प्लांट बंद क्योंकि अभी अपने पास चाल नहीं है, सेकंड लेयर करेंगे सुबह। और अभी चल रहा अपना प्लांट, और यहाँ पे अपन थोड़ा डीजल डाल रहे हैं DG में। आपको दिखाता हूँ DG की टंकी कितनी बड़ी होती है। ये 400 KVA का DG है भाई। भाई बहुत बड़ा DG है ये, आपका मोहल्ला जला देगा पूरा ये। भाई ये देखो हॉपर पे एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो जब JCB चलती है ना तो ये पूरे खाली हो जाते हैं। अब इसमें इतना ही माल है ज़रा सा काम चलाओ, ये देखो 20 mm पूरा खाली हो जाता है। नहीं बस JCB की बस की बात नहीं है ये, क्या लोडर ही लगता है आपको। वो तो आखिरी लोड था तो मैंने रिक्स लिया कि आखिरी लोड है, चलो JCB कर दे क्योंकि ऊपर पहले के भरे हुए थे। भाई आज तो रेल बना दी JCB की, ये देखो स्टंट कर रहा हमारा विजय। क्या मटेरियल थोड़ा दूर दूर हो गया ना इसलिए भी और दिक्कत आ रही है। 20 mm पूरा खाली हो गया, 10 mm में जरा सा बाकी। ये तो खैर हम चला नहीं रहे तो बंद है, और ये वाला भी देखो पूरा खाली है। चलो दोस्तों फाइनली आखिरी गाड़ी हमारी निकल ही गई है, JCB ने हमारा एंड टाइम पे साथ दे दिया पूरा, पर उसकी रेल जरूर बन गई आज। और ये आखिरी गाड़ी भी निकलती हुई यहाँ से, और अपन चलते हैं सीधे, अब थोड़ा स्टोर में बैठेंगे थोड़ी देर और फिर चलते हैं सीधे। काम तो लगभग कंप्लीट हो ही गया, ये बस वे तो ऊपर जा रहा है, वहाँ पे वो बना लेंगे और अब सीधे निकलते हैं घर पे। आज जल्दी छुट्टी हो गई मेरी, आज बधाई हो। चलो आखिरी गाड़ी भी निकल गई फाइनली। ये तो ड्राई मिक्स निकालने के लिए हमने लगाई आखिरी गाड़ी है, इसमें क्या आखिरी में आपका ड्राई मिक्स निकलता है। भाई आ गए थोड़ा सा अपन क्रशर के पास, थोड़ा सा मटेरियल अपन जब तक अभी ये बंद है थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं मटेरियल भी। भाई हमारे गुरपाल बाजी हैं, पल्ली इनका नाम है, पल्ली रेत किंग है, रेत पे बहुत मशीन चलाई इनने। आ तो लोडर भी गया, पर लोडर का कोई काम नहीं है, लोडर का रहने दो, एक्सेवेटर से जल्दी हो जाता, जल्दी निकल लेते हैं। एक्सेवेटर और लोडर में दोस्तों अगर आप कंपैरिजन करें ना तो एक्सेवेटर से लोडर थोड़ा स्लो रहता है, एक्सेवेटर थोड़ी फास्ट जरूर रहती है, जल्दी गाड़ी भरती है एक्सेवेटर। लोडर का बार बार आगे पीछे करो तब भर पाती गाड़ी।
भाई गुरपाल भाजी लगे हैं स्पीड से, डस्ट बहुत बस यही समस्या है, 20 mm का यही हेड है यार, 20 mm में डस्ट बहुत उड़ती, इतनी 10 mm और आपकी डस्ट में नहीं उड़ती, इतनी 20 mm में उड़ती। और यार बस तो एक ही हमारी एक्सेवेटर था, चलते चलते यार बंद हो गई यार यहाँ पर। ये वल्वो की 6 नंबर मशीन है भाई, पुरानी मशीन है ये, होगी 2009 मॉडल होगी, 9 या 10 मॉडल होगी, ये यार चलते चलते एकदम बंद हो गई, इसमें मेरे को लगता है कुछ इंजन का काम आया है, स्टार्ट नहीं हो रही है, जो जगह पे इसका बकेट रखा हो वहीं बंद हो गई, वहाँ से फिर हिली भी नहीं है, और ऐसी जगह खड़ी है मटेरियल भी नहीं निकाल सकते हम, या तो इसको हाइड्रा से उठा के नीचे रखना पड़ेगा। इस सामने चल रहा अपना लोडर है, ये भी थोड़ा डस्ट वस्ट थोड़ा शिफ्ट कर रहा है उधर स्टॉक में। चलो भाई चलते हैं, अपन निकलते हैं घर पे, जल्दी निपट गए, पल्लू भाजी भी आ गए। चलो दोस्तों चलते हैं पल्लू भाई के साथ, अपन थोड़ा रूम पे चलते हैं, अभी हो गया निपट गए यहाँ से। यार एक प्रॉब्लम दूसरी हो गई अपनी गाड़ी की, आ गई सर्विस, इसकी सर्विस कराने जाना है यार, एक गाते यार लफड़ा ये है यार सर्विस के लिए, इसके लिए जहाँ हमें 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, छिंदवाड़ा जाना पड़ेगा, वहीं होती इसकी सर्विस। अरे शौक शौक में ले तो ली यार, अभी बाद में पता चल रहा है ये सर्विस का बड़ा नाटक है इसमें।